महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी की बात करते हैं, आखिर वजह क्या है कि एक के बाद एक जघन्य अपराध होता है लेकिन हालात रुकते नहीं, अंकुश लगता नहीं। मऊ की घटना आपको बताते हैं, जहां 10वीं की छात्रा को कुछ लोगों ने बंधक बनाया, जबरन उसके साथ में बलात्कार किया और उसके बाद में उसके घर वालों को फोन करके उसे ले जाने के लिए कहा गया। जाहिर तौर पर किसी परिवार के लिए यह खबर, यह घटना किसी सदमे से कम नहीं, किसी बड़े सदमे से कम नहीं होगी। जब उसके घर वाले उसे आते हैं, ले जाते हैं, उसके बताया जा रहा है कि मारपीट भी की गई उस लड़की के साथ में। लड़की जब आप बेटी अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को बताती है, पुलिस में मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके बाद में जाकर के पुलिस हरकत में आती है। मगर सवाल इसी बात का है कि हम बड़े बड़े मामलों को लेकर के, जघन्य अपराध को लेकर के बड़ी सजाओं की बात और वकालत तो करते हैं, कानून सख्त करने की बात करते हैं, मगर क्या महज कानून सख्त कर देने से इन तमाम चीजों पर अंकुश लग जाएगा? लेकिन पुलिस अभी तक कर क्या रही है, सुनिए एसपी सिटी के इस बयान को। 15 साल की बालिका के साथ बलात्कार की घटना थाने पर रिपोर्ट की गई थी। SHO मधुबन को तत्काल FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया। धारा 376D, 506 IPC और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दो नामजद अभियुक्त, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त है और एक उसका साथी है, इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पीड़िता का 161 का बयान महिला कांस्टेबल के द्वारा वीडियोग्राफी में दर्ज कराया जा रहा है, मेडिकल कराया जाएगा। 164 का बयान कराया जाएगा और घटना का मौका मुआयना कर लिया गया है। पीड़िता के परिवार से भी वार्ता की गई, उनको सुरक्षा का पूरा एहसास दिलाया गया है। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। बाकी दो अभियुक्त को भी बहुत जल्द हिरासत में लेके और उनसे भी पूछताछ की जाएगी।